आप बुरे ता जग बुरा, आप भले ता जग भला, बी गुड एंड पीपल विल बी गुड टू यू, बी बैड एंड एक्सपेक्ट द सेम। क्योंकि लिखा है बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो। मैं अपने पूरे दिल से आपको आपके पसंदीदा यूथ शो में खुशामदीद कहता हूँ। और आप जानते हैं कि हम हमेशा एक नई सिचुएशन, नए नज़रिए और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ताकि हम खुद भी सीखें और आपको भी सिखाएं। आज भी हम एक खास टॉपिक के साथ आपके दरमियान आए हैं ताकि हम बातचीत करें, और इससे पहले कि हम बहुत सारी बातें करें, आए मिलते हैं टीम से। हेलो ब्रिटनी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक। रबिल, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। एरिक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तो ब्रिटनी, आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के मुतालिक? I'm really excited about the topic because I think like we are going to learn a lot about it today. Yes, तो रबेल आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है आज का टॉपिक कैसा और आप क्या फील कर रही हैं? मुझे भी यही लग रहा है कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे कि हम लोग खुद मिलके हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, हमने सीखा, तो हमारे यकीनन व्यूअर्स भी इस टॉपिक को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे। जी बिल्कुल सीखेंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने को हैं प्रोवर्ब्स पर, इमसाल पर। ऐसी क्या बात है इन बातों में, इन कहीं भी बातों में, जो हमारी हिकमत का, हमारी तरबियत का या हमारी काउंसलिंग का सबब बनती हैं? तो इस प्रोग्राम में यकीनन आज आप इस बात को सीखेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोवर्ब्स पर, इमसाल पर। और हमें दुनिया में बहुत सारी कहावत, कही हुई बातें मिलती हैं जो लोगों की तरक्की का सबब बनती हैं, और लोग जब सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं। तो ब्रिटनी, आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि प्रोवर्ब्स हैं क्या? फॉर मी प्रोवर्ब्स आर लाइक something to motivate a person. It is said like it's a piece of sentence stating something good or stating truth in front of you. Okay. And I guess even though when I listen to proverbs, I always get motivated, and that's really good. I feel people also should get motivated by it. तो रबेल, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि ब्रिटनी ने अभी बताया कि किसी बड़ी बात को कुछ लफ्ज़ों में कह देना, ये प्रोवर्ब्स है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी एरिक, मेरे नज़दीक ये प्रोवर्ब्स है जो कि तमसीलों में कही गई बात किसी के लिए मशले राह बन जाए। जैसे कि ब्रिटनी ने कहा कि हम लोग ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं जो कि दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं, तो सेम लाइक दैट वो किसी की काउंसलिंग हो जाती है उससे, या वो एक मशले राह बन जाती है जिससे लोग सीखते और समझते हैं उस बात को। बिल्कुल रबेल, आप दोनों ने दुरुस्त बातें कहीं। इमसाल जो है, या ये तमसीलें जो होती हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे पूरे एक सिचुएशन को कुछ लफ्ज़ों में बांध देना, किसी सिचुएशन को कुछ लफ्ज़ देके किसी की काउंसलिंग कर देना। जैसे मैंने आगाज़ में एक कहावत कही थी, आप बुरे ता जग बुरा, आप भले ता जग बुरा, यानी हम अगर ठीक हैं तो सारा ज़माना ठीक है, अगर हम अच्छे होंगे तो कोई दूसरा हमारे साथ अच्छा होगा। यानी एक बड़ी सिचुएशन को कुछ छोटे से लफ्ज़ दे देना, और यकीनन आपने बिल्कुल सही बात कही कि किसी के लिए मशवरा बन जाती है, कोई उसको सुन के मोटिवेट हो जाता है, जैसा कि ब्रिटनी ने कहा, तो ये यकीनन किसी की तरबियत का सबब बनती है। तो बात करेंगे कि नेशनली हमें नज़र आता है, पाकिस्तान में बहुत सारी सेइंग्स हैं, कहावतें हैं, तमसीलें हैं, इंडिया में देखें तो वहाँ बहुत सारी हैं, चाइनीज़ में हर शख्स अपनी ज़ुबान में कोई ना कोई तमसील पाता है, रखता है। तो बात करेंगे पाकिस्तान की कहावतों पर या तमसीलों पर। आपके पास कौन सी कहावत है? मुहावरा है लाइक मैंने ये काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था और मुझे बहुत पसंद है। इट्स लाइक एक अनार 100 बीमार। यू कैन से, आप कह सकते हो कि लाइक वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन अ सेकंड पर्सन हेड, बट व्हाट ही इज डूइंग वी आर फॉलोइंग हिम। लाइक वी आर गेटिंग सिक एंड डूइंग थिंग्स लाइक ट्रेंड, वी आर फॉलोइंग ट्रेंड्स आउट देयर, सो लाइक वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट ट्रेंड, और इज इट हार्मफुल और इट इज नॉट हार्मफुल, बट वी आर फॉलोइंग इट। बिल्कुल सही कहा, बिना किसी बात को जाने और बिना किसी सिचुएशन को समझे हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। एक अनार और 100 बीमार, यानी हम किसी शख्स को देखते हैं कुछ करते हुए और हमें वो हमारी आंखों को भाता है वो, या हमें अच्छा लगता है, और बिना उसके फ़ायदों को और उसके उसके उसकी चीज़ों को जानते हुए, उसकी मानवीयत को जानते हुए, हम उसे फॉलो करते रहते हैं। और ये कहावत मैं समझता हूँ कि ठीक उन लोगों पर आती है जो ऐसा करते हैं कि एक अनार और 100 बीमार, एक को देखकर सारे उसी राह पर चलते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी रबेल, आपके पास कौन सी कहावत है? बहुत ही फेमस कहावत जो कि मेरे एक सर थे, सर इमैनुअल मुमताज़, काफ़ी लोग उनसे वाकिफ़ हैं। वो अपने लेक्चर के एंड में ये बात कहा करते थे, कहावत सुनाया करते थे कि जो सोता है वो खोता है। अक्सर लोग इसको दूसरे सेंसेस में ले जाते हैं, गलत उसमें पंजाबी वाला खोता, पंजाबी वाला बिल्कुल। अच्छा, एक बात है तमसीलों में कि ये लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मानवियत में, मायनों में कुछ और होता है, कई बार ये लफ्ज़ कुछ और मायने दे रहे होते हैं। बिल्कुल, लोग अपने मायने निकाल लेते हैं, मतलब वो बिल्कुल ट्रैक से हट जाते हैं कि समझते नहीं है, उल्टा उसको मजाक की तरफ ले जाते हैं। तो वो कहा करते थे कि जो सोता है वो खोता है।
अब ये जो खोता वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया, ये वो है कि जो सोएगा वो खोएगा, हो जाएगा, बिल्कुल वो अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देगा, वो सोता ही रहेगा, वो अपने जो उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको अवेल या अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये मेरी बहुत ही फेमस और जो मेरे सर कहा करते थे पसंदीदा कहावत है। जबरदस्त, और यकीनन ये बात सच्ची है। व्यूअर्स अगर देखें, आप आंखें बंद करके खड़े और आपके सामने से बहुत सारी चीज़ें गुजरती जाए, आपको पता चलेगा कि आपके सामने से क्या गुजरा है, यकीनन नहीं। तो हमें सोना नहीं है, हमें जागे रहना है और चीज़ों को तजर्बा करना है। बाइबल मुकदस बताती है कि तजर्बे से मालूम करते रहो, हमें हर एक चीज़ का एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज़ किस वक्त में किस फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो कहावतों पर बात कर रहे हैं हम, तो मैं भी एक ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा ना कि जो सोता है वो खोता है, इसी से एक रिलेटेबल पंजाबी कहावत है और मुझे पंजाबी कहावतें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इंटरटेन भी करते हैं और सिखाती बहुत कुछ है। और सेइंग कुछ ऐसी है कि सोचे प्यार तो बंदा गया, यानी जो सोचता रह जाएगा फिर उसके पास वक्त नहीं होगा कि वो कुछ हासिल करें या कुछ कर सकें। तो हमें बिल्कुल फोकस्ड रहना है, हमें डी फोकस नहीं होना। तो आगे बढ़ते हैं और मैं दोबारा पिटनी आपकी तरफ आऊँगा, ऐसी कौन सी कहावत या सेइंग आपके पास है जो आप शेयर करना चाहती हैं? इट्स लाइक अ लिटिल बिट फनी, क्योंकि जब हमारी टीचर्स हमें सिखाया करती थी तो हमें हंसी आती थी वो सुन के, एंड इट्स लाइक खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। लाइक यू आर जस्ट लुकिंग एट अ पर्सन, व्हाट ही इज डूइंग यू आर डूइंग द सेम थिंग। एंड हमारी टीचर कहती थी लाइक बिना किसी चीज़ को आप देखे या फिर उसको आप कह सकते हैं सोचे, आप वो चीज़ कर रहे हैं, शायद वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो, बट आपने वो चीज़ करनी है बिकॉज द फर्स्ट पर्सन इज डूइंग इट। So I can say this is some kind of funny thing because I've seen people doing a lot of things like this. But agar hum iska dusra hissa dekhe, like if I see someone way better than me or way perfect than me, I'll make sure I try to be like it, or that I'll try accepting things what he is doing or she is doing. Matlab jo cheez mere mein nahi hai, jo talent mere mein nahi hai, jo I guess एक थिंकिंग मेरे में नहीं है और उस इंसान में है, एंड ही इज लिटरली इन अ गुड स्टेट, सो आई विल लव कॉपीइंग दैट पर्सन, एंड आई गेस दैट विल एनकरेज मी इन डूइंग समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल ब्रिटनी, ये बिल्कुल सच्ची बात है, और ये कहावत मैं समझता हूँ कि हमने आम तौर पे अपनी जिंदगी में सुनी है, फैमिलीज में और स्कूल टाइम्स में, कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ये सच्ची बात है। जब हम किसी को देखते हैं और कोई खूबी हमें नहीं और शख्स में है, तो उसको देखकर हम इनकरेज हो जाते हैं और हम वो अडॉप्ट करते हैं चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि ये जो मिसाल है ना, बिल्कुल 100% पूरी उतरती है सिचुएशन पे। रबेल, आपकी तरफ आने से पहले मैं एक कहावत कहूँगा जो कि पंजाबी कहावत है, फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक इसके क्या मायने हैं। और कहावत ये है कि कोठी वाला रोए और छप्पड़ वाला सोए, तो आप क्या कहेंगे कि आपके नज़दीक इसके क्या मायने हैं? मेरे नज़रिए में एरिक इस कहावत के ये मायने हैं कि जो एक अमीर शख्स जो अपने पैसों की फ़िक्र में लगा रहता है, उसको सुकून की नींद नहीं आती, बनिस्बत उसके जो कि गरीब है या थोड़े पैसे कमाने वाले, लेकिन वो इत्मीनान से सोता है, सुकून है उसकी ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है राबेल, और इसी के साथ आपसे पूछूंगा कि सेकंड ऐसी कौन सी कहावत आप शेयर करना चाहते हैं जो आपके पास है? सेकंड कहावत जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट कहावत है, बहुत फेमस है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो बोओगे वो काटोगे, कि जो बीज आपने बो दिया वही आप काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप किसी के साथ बुरा करोगे आपके साथ बुरा होगा, किसी के साथ भलाई करोगे तो आपके साथ भलाई की जाएगी। बिल्कुल रबेल, मैंने आगाज में जब ये कहावत कही थी तो मैंने आयत बोली थी कि लिखा है कि बस जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये कहावत, ये सेइंग बहुत आम है और बिल्कुल ठीक है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो यकीनन व्यूवर्स, आप आज के इस टॉपिक के जरिए से बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में सीख रहे होंगे, और यकीनन आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी कहावतों को सुना होगा, ऐसी बहुत सारी बातों को, सेइंग्स को और मिसालों को सुना होगा, और यकीनन आपको आती भी होंगी ये सारी मिसालें। तो अब बात करते हैं उस मिसाल की, उस इंसान की जो किताब मुकद्दस में हमें नज़र आती है, प्रोवर्ब्स, वो किताब जो पूरी की पूरी बहुत सारी सेइंग से भरी हुई है। और यकीनन वो सारी की सारी जो सेइंग्स हैं, वो सारी तमासील जो है, वो इमसाल की किताब जो है हिकमत से भरी हुई है, और हमें बहुत सारी बातें सिखाती और हमें हिकमत बख्शती हैं। तो चलिए इस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कलाम मुकद्दस की इमसाल हमें क्या सिखाती है। जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपको अपने पूरे दिल से, आपको आप ही के यूशो पूरे दिल से और इस खास सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और यकीनन इस सारे एपिसोड को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। गुजरी सारी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा और आप कसरत से, मेरा ईमान है, इस सेगमेंट के बाद कसरत से खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। क्योंकि बात अगर आ जाए इमसाल की किताब की, बात आ जाए ऐसी रहनुमाई की, तो मैं समझता हूँ सुलेमान बादशाह ने बहुत से अक्लमंद अकवाल लिखे, बहुत सी ऐसी हदायत लिखी जिनके वसीला से इंसान रहनुमाई पा सकता है, और उस खजाने को हम बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब कहते हैं।
آج ضرور چند ایک باتیں اس کتاب کو لے کر آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے، انسان کی کس طرح رہنمائی کرتی ہے، انسان کس طرح اس کتاب پر غور کر کر آگے بڑھ سکتا ہے، کس کس سٹیج پر یہ ہماری رہنمائی کا باعث بنتی ہے، اور کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور زندگی میں بہتری کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس خاص موضوع پر، اس خاص ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں خدا کے بہت ہی اچھے خادم کو بلایا ہوا ہے۔ خدا جوانی میں ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہ جگہ بجگہ خدا کی گواہی کو آگے شیئر کر رہے ہیں، مسیح کی خوشخبری کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں عالی جناب پاسٹر رونی ریچرڈسن کی۔ میں آپ کے ساتھ مل کر ان کو ہمارے یو شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاری صاحب، ہم پورے دل سے آپ کو ہمارے یو شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ بھائی۔ خداوند خدا کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ پاسبل کیا کہ آج آپ لوگوں کے درمیان آؤں اور پورے دل سے کہ سیٹ پر آ کر آج میرا دل بہت خداوند خدا کی حضوری میں شکر گزار ہے کہ آپ نے ضروری سمجھا کہ ہم وہ ٹاپک چنیں اور اس پر بات کریں جو کہ حکمت سے معمور اور بھری ہوئی کتاب ہے، اور یہ ہر ایک شخص کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے، ہر عمر کے انسان کے لیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک زبردست جو ہے سیکھنے اور عملی زندگی گزارنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ بے شک، اور ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں، اور مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ امثال کی کتاب آج ہمیں کیا سکھاتی ہے یا اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، میرا نام پاسٹر رونی ریچرڈسن ہے اور جیزس از آور سیویئر منسٹری سے میرا تعلق ہے، اور کراچی شہر میں اور پاکستان میں مختلف علاقوں میں اور ملک سے باہر بھی خداوند اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کر رہا ہے۔ اور 2002 میں میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی، 2011 میں جو ہے وہ پراپر خدمت کا آغاز شروع کیا، 2015 میں ایز اے پاسٹر پاسبانی خدمت کا آغاز کیا اور کلیسیا قائم کی، اور بہت سے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، لوگوں نے یسوع کو قبول کیا اور اب وہ میرے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم نے ہوم چرچز سٹارٹ کیے۔ تو اس طرح ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ بہت سی روحوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے جیت سکیں۔ آمین، خدا کا شکر ہے، خدا ایسے ہی آپ کو آگے بڑھائے۔ پلیز اب مجھے امثال کی کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بھائی، جیسا کہ آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ امثال کی کتاب، اور اس کے بارے میں بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید ہم اس وقت میں، محدود وقت میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن ضرور کوشش کریں گے کہ چند ایک باتیں ضرور آج ہم سیکھیں اور ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بھی ہم اس چیز سے شیئر کریں جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ امثال کی کتاب بیسیکلی جو ہے یہ سلیمان نے لکھی ہے، اور اس کے دو اور ایسے ہمیں نام نظر آتے ہیں جو کہ یاکا کا بیٹا اجور تھا اور بادشاہ لیمیول، جس نے جو ہے اینڈ میں 31 باب میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، 30 اور 31 باب میں۔ امثال کی کتاب بیان کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح خدا پر ایمان لے کر آنا ہے، اور روزمرہ کی زندگی کے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی خود زندگی جو ہے خداوند کے ساتھ گزارنی ہے، اور عملی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے، اور حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ بالکل ایسا ہے، ہم خدا کے فضل و کرم سے چند ایک آیات اس کتاب میں سے لیں گے، اور میرا ایمان ہے یہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے دوستوں کے لیے بھی ضرور سیکھنے کا باعث بنے گی۔ آج بہت اچھی باتیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس سیگمنٹ کے لاسٹ میں ہم اچھی سی گڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، سو ضرور اس سیگمنٹ سے بنے رہیں۔ ہر لحاظ سے یہ سیگمنٹ آپ کے لیے کثرت سے برکت کا باعث بنے گا، اور میرا ایمان ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ اس سیگمنٹ کے بعد کثرت سے خدا کی شکر گزاری سے بھر جائیں گے۔ پاری صاحب، امثال جب چھٹا باب اس کی 25 آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے، تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے۔ اس کے کیا میننگ ہے، اس کے آیت کا وسیلہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی بھائی، آپ نے جو آیت آج لی ہے بڑی اچھی ہے، اور خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اس دنیا میں ہے، اور عموماً خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اور میں اس کو انگریزی میں پڑھ رہا تھا، نیو انٹرنیشنل ورژن میں، تو وہاں پر لکھا ہے، ڈو ناٹ لسٹ ان یور ہارٹ آفٹر ہر بیوٹی اور لیٹ ہر کیپٹیویٹ یو ود ہر آئیز۔ یعنی کہ لسٹ کا جو انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن آئی ہے وہ ہے اسٹرانگ سیکچوئل ڈیزائر۔ بالکل۔ اور جو اس کو اردو میں جو ہے ہوس کہا گیا ہے، اور کیپٹیویٹ کو کہا گیا ہے اٹریکٹ اینڈ ہولڈ دا انٹرسٹ اینڈ اٹینشن، یا چارم، یا اس طرح کی چیزیں، یا اپنی طرف مائل کر لینا یا مول لینا۔ تو اس کا بڑا اس چیز سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے
تو اپنے دل کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ سے اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے. اور یہ خاص طور پر زناکاری کے خلاف انتباہ نوجوانوں کو دی جا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح جو غیر بیگانہ عورتیں ہیں ان سے کس طرح ہم نے بچنا ہے, اور وہ جو ہے پلکوں سے, آنکھوں سے. اور انگریزی میں اگر کنگ جیمز ورژن پڑھیں تو اس میں جو ہے آئی لڈز لکھا ہوا ہے کہ وہ پلکوں سے جو ہے باتیں کرتی ہیں, اشارے کرتی ہیں, اور وہ جو ہے وہ اور ہمیں اس چیز کے لیے نوجوانوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح محتاط رکھنا. کافی سیریس ٹاک ہے اور کافی سیکھنے والا ٹاپک ہے, میں سمجھتا ہوں اس پر بات کرنی چاہیے, ہمیں سکھانا چاہیے آج کے دور میں. اس کے بعد ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے, امثال 15 باب کی 16 آیت. یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے, تھوڑا جو خداون کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے. اس کے بارے میں بالکل میں اس کے بارے میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہوں گا. انگریزی میں جب میں نے اس کو چیک کیا تو اس کا جو نیو انٹرنیشنل ورژن میں آیا ہے, بیٹر از لٹل ود دا فیئر آف دا لارڈ دین گریٹ ویلتھ ود دا ٹرموائل. یعنی کہ گنج کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ویلتھ بھی ہے اور ٹریجر بھی ہے, اور جو پریشانی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ورڈ ہے ٹرموائل. اور ٹرموائل جو ہے اس وہ ہے ایک اسٹیٹ آف گریٹ ڈسٹربنس, یعنی کہ ایک زبردست قسم کی پریشانی یا ایک زبردست قسم کی کنفیوژن تو یا ہلچل یا ہنگامہ. اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے. بہت ضروری ہے. ایک اور ہمیں حوالہ ملتا ہے امثال 20 باب اس کی 13 آیت میں. یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے, خواب دوست نہ ہو مبادہ تو کنگال ہو جائے, اپنی آنکھیں کھول کے تو روٹی سے سیر ہوگا. اس کی بھی تفسیر کریں پلیز. ہاں جی, اس کو انگریزی میں جو اس کی ٹرانسلیشن آئی ہے, ڈو ناٹ لو سلیپ اور یو ول گرو پور, اسٹے اویک اینڈ یو ول ہیو فوڈ ٹو اسپیئر. اب اسپیئر کا جو میننگ آیا ہے وہ ہے ایڈیشنل ٹو واٹ از ریکوائرڈ فار آرڈنری یوز. یعنی کہ اگر ہم سوتے رہیں گے تو ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم بہت جو ہے وہ کنگال ہو جائیں گے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر سکھا رہا ہے کہ تو جاگ اور تو محنت کر تاکہ تیرے پاس فوڈ ہو اور اسپیئر میں بھی ہو. تو اس سے جو میں سیکھتا ہوں وہ یہ ہے, اور اگر ہم کنگ جیمز ورژن میں دیکھیں تو ہمیں لفظ سیٹسفائیڈ ملا ہے. سیٹسفائیڈ ملا ہے کہ مطمئن ہونا, کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس میں مطمئن ہیں. اچھی بات ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور بھی بے شمار آیات ہمیں ملتی ہیں. آپ کی کوئی فیوریٹ ورس امثال کی کتاب میں سے جو آپ کی بڑی انسپریشن کا باعث بنی ہو, یا آپ اسے بار بار اپنی کلیسیا کو سکھاتے ہوں؟ امثال کی کتاب میں ایک بہت ہی جو اس پوری امثال کی کتاب کا دار و مدار ہے, امثال پہلے باب کی 2 آیت سے 6 آیت ہے, میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. پلیز. حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کے امتیاز کرنے کے لیے, عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے, سادہ دلوں کو ہوشیاری, جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے, تاکہ دنا آدمی سن کر علم اور ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے, جس سے مثل اور تمثیل کو دناؤں کی باتوں اور ان کے مموں کو سمجھ سکے. یعنی کہ پورا جو ہے وہ دار و مدار اس ان 4 ورسز میں ہمیں امثال کی کتاب کا ملتا ہے, کہ پوری جو چیز امثال کی کتاب میں بتائی گئی ہے وہ اس میں موجود ہے. میں خاص طور پر ہر ایک کو, جتنے بھی لوگ اس شو کے ویورز ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو ہے کتاب کو ضرور پڑھیں. اگر آپ حکمت پانا چاہتے ہیں, اگر آپ عقل پانا چاہتے ہیں, اگر آپ زندگی کے معیار میں, روزمرہ کی زندگی میں اپنی عملی کاموں کو کرنا چاہتے ہیں, تو امثال کی کتاب ایک بہترین کتاب ہے جو اتنے 100 سال پہلے اور 800 اقوال جو ہے امثال کی کتاب میں سلیمان کے سر سہرا جاتا ہے اس کا, اور ٹوٹل بائبل مقدس میں اس نے 3000 کے قریب جو ہے اقوال کہے ہیں. اور اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گے تو یقیناً آپ باعث برکت ہوں گے, اور آپ بتھیروں کے لیے برکت کا اور نجات اور شفا کا وسیلہ اور ترقی کا بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. بہت خوشی ہوئی ساری باتوں کو سن کر. ہماری دل سے دعا ہے خدا اسی طرح آپ کو
अच्छी तरह आगे बढ़ाए, आप बथेरी जिंदगियों की मोटिवेशन और तब्दीली और बहाली का बायस बनते रहें, और कसरत से खुदा आपके वसीला से अपना जलाली काम को करें। दोस्तों फिर से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो इम्साल की किताब पढ़ें। अगर आप ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने रिश्तों में कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारने का अच्छे तरीके को सीखना चाहते हैं, तो इम्साल की किताब और पूरी की पूरी कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें। जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा था वो गुड न्यूज़ ये है, आप जानते हैं एक मरतबा पहले भी हमने आपको बामकसर ज़िंदगी एक किताब ऑफ़र की थी, हमने वो किताब भी आपको एज गिफ्ट देने के लिए वादा भी किया था और हमने आप तक पहुँचाई भी थी। एक मरतबा फिर आपसे ये हम दरख्वास्त कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं इम्साल की किताब को पढ़ना तो इम्साल की किताब गिफ्ट के तौर पर हम आपको देना चाह रहे हैं। बस आपने करना क्या है, पहले जो 10 अशखास होंगे, जो पहले 10 हमारे दोस्त होंगे, पीडीएस फ्रेंड्स होंगे, उनको हम यह किताब एज गिफ्ट देंगे। सो जल्दी से करें, मौका बहुत लिमिटेड है, और जल्दी जल्दी अपने फ़ोन उठाएँ, हमारी सारी इन्फो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप चाहते हैं इस किताब को पढ़ना और हिकमत की बातों को सीखना चाहते हैं तो हम ये किताब आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाह रहे हैं। आपने अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ हमें टेक्स्ट करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर बारह बार आपको सारे शो में नज़र आता रहेगा, आपने उस पर टेक्स्ट करना है, अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है और अपने एड्रेस को के साथ अपना टेक्स्ट करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द ये किताब आपको सेंड करें ताकि आप और हिकमत की बातों को सीखें और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते रहें। और भी बहुत कुछ इस एपिसोड में आपको मिलेगा, इसके लिए चलते हैं मेन डेस्क पर। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, मुलाकात करते हैं टीम से मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स, यकीनन आपने सेगमेंट में भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी जो कलाम मुकद्दस के ज़रिए से हमें सीखने को मिलती हैं, और यकीनन ये किताब हिकमत की किताब है जो हमें बहुत सारी ऐसी बातें सिखाती है जो हमें हिकमत बख्शती हैं। तो रबेल एंड ब्रिटनी, आपने भी इस किताब को पढ़ा होगा, और मेरे नज़दीक ये किताब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाइबल मुकद्दस की बाकी किताबों में से, डिफरेंट है क्योंकि एक किसी ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट को नहीं बल्कि इतनी सारी बातों को इसमें पॉइंट आउट किया गया है, इतनी सारी तमसीलें हैं जो आपके लाइफ को मतलब डिफरेंट बनाने में आपकी मदद करती है, आपके लाइफ को तब्दील करने में मदद करती है। तो ब्रिटनी आप बताएं, आपने बाइबल मुकद्दस में प्रोवर्ब्स की बुक यकीनन पढ़ी होगी, तो आपके नज़दीक ऐसी कौन सी खास बात आपको लगती है कि इस किताब में जो मौजूद है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोवर्ब्स इम्साल की किताब एक बहुत ही लाइक यू कैन से हिकमत से भरी फहम इल्म, आपको हर चीज़ के बारे में एक छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में या एक पोइट्री वर्जन में बहुत ही ज़्यादा एक लंबा आई कैन से एक स्टोरी बता रही है, लाइक व्हाट शुड यू डू, व्हाट इज़ गुड फॉर यू टू डू। एंड एज जितना आई हैव रेड इन एज इन माई स्कूल्स एंड इन कॉलेजेस, इट वॉज सेड दैट प्रोवर्ब इज़ वन ऑफ द बुक्स विच टीचेज यू अबाउट द ट्रेडिशंस, द विजडम एंड most of the thing like education and vice versa and many different things about what you should do in future. And my father jab main like hum log ghar mein hote hain to subah sabse pehle hum imsal ki kitab mere dad lazmi kholte hain, wo hame batate hain ki you can say imsal ka first jo book first jo para usme likha hai ki wo bata raha hai ki ae mere bete ki akal fehm aur taleem aur usse zyada hikmat तुम्हारे लिए एक अच्छी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलती है। When you have all these things in your head, you will guide yourself into a good place. You don't need anyone else to guide you. The Lord is guiding you in His own way. And I find it really good for myself because इम्साल से आप कह सकते हैं आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको हिकमत मिल रही है, आपको फहम मिल रहा है, आप लोग दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते हर चीज़ को। It is said a silent person diffuses anger. Mm-hmm. A person who is patient, a person who is silent, he always diffuses anger. मतलब उसको anger आप बोल सकते हैं छू के भी नहीं गुजरता. That means he is reading, he is going through something really good that he is telling that nothing is making me angry. Mm-hmm. And as much I read this, this is one saying in a proverbs as well that a gentle response diffuses anger. A gentle response. It's in a चैप्टर 15 फर्स्ट वर्स एंड आई गेस दिस इज रियली गुड। बिल्कुल, कि एक नरम जवाब जो है कहर को वो जो है ख़त्म कर देता है। तो मेरे नज़दीक ये किताब बहुत मुझे अच्छी लगती है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मेरी लाइफ में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस यकीनन पूरी की पूरी हमारे लिए ज़िंदगी में नूर का काम करती है, हमें हमारी लाइफ को लिट कर देती है, चमका देती है। और इस किताब में जब इस किताब को पढ़ता था और मैंने डेली स्केड्यूल बनाया अपनी बाइबल रीडिंग का या मेरा जो डिवोशन टाइम है, यकीनन हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं आप सब भी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो ये ज़रूर अपना स्केड्यूल बनाएं, प्रेयर टाइम, डिवोशन टाइम रखें जिसमें आप बाइबल मुकद्दस से सीखें।
तो मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है और मैं बुक्स को पढ़ता हूँ, मतलब मॉर्निंग में मैं पुराने अहदनामे की कोई बुक मेरी डेली रीडिंग में चलती है और न्यू टेस्टमेंट में, रात में मैं जब सोने से पहले प्रे करता हूँ। तो एक वक्त ऐसा है जब मुझे, मैंने एक इबादत में सुना कलाम मुकद्दस की इन किताबों के बारे में जिसमें ज़बूर भी शामिल है, हिकमत की बात की जा रही थी, और इस चीज़ ने, मैं बहुत यंग था, छोटा था बल्कि, तो मैंने इस बात को फील किया कि ऐसी क्या बात है कि तकरीबन हर इबादत में इसका जिक्र होता है कि हिकमत हासिल करनी है तो इमसाल पढ़ो। लोग अगर आप गैदरिंग्स में जाए चर्च में तो अक्सर लोग कहते हैं अगर आपको अकल चाहिए हिकमत चाहिए तो आप इस किताब को पढ़ें। तो मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया और मैंने स्केड्यूल बनाया कि इस दिन मैं इस वक्त में ये किताब पढ़ा करूँगा, तो मुझे बहुत सारी तमसीलें मिली और उन सेंग्स के वसीला से ये क्या हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट किया तो मैं एक बेहतर तौर पर अपनी लाइफ में चल रहा था और वो जो फ़र्क महसूस मैंने किया वो बहुत मुख्तलिफ था और बहुत अच्छा था। और तमसीलों में से, इमसाल की किताब में से मेरी फेवरेट एक वो मिसाल है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसने काम किया कि बेगानी लड़ाई में हाथ डालने वाला शख्स उस शख्स की मानिंद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है, और अगर आप कुत्ते को कान से पकड़ेंगे तो वो दोस्ती तो नहीं करेगा, वो आपको काटेगा। यानी किसी लड़ाई में हाथ डालना अपने आप को नुकसान पहुँचाना है। तो रबेल आपकी तरफ आऊँगा, आप इमसाल की किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि ब्रिटनी ऑलरेडी कह चुकी है और आप भी कह चुके हैं कि इमसाल की किताब है, एक हिकमत से भरी किताब है, सुलेमान की लिखी गई इमसाल की किताब। तो इमसाल की ये किताब जो हिकमत से भरी है, हर चैप्टर में कोई ना कोई एक ऐसी बात है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, हिकमत की बातें इसमें लिखी हैं। और इमसाल की एक जो बहुत ही मेरी फेवरेट वर्स है, चैप्टर वन में से ही इमसाल की किताब पहला बाब और सातवीं आयत, कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। वंडरफुल, कि जब खुदावंद का खौफ है तो हिकमत आपके पास है, हिकमत का स्टार्ट ही खुदावंद का खौफ है। तो हिकमत की भरी किताब में एक जब हिकमत की ऐसी बातें मिल जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। और अबिल मैं समझता हूँ कि इस वर्ष ने ना हमारी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डाला है, बहुत इम्पैक्ट। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मैं सोच रहा था कि कैसी बड़ी बात है कि एक इंसान जो हकीम बनना चाहता है, जो अपने अकल में, मतलब एक ऐसा शख्स बनना चाहता है जिसमें बहुत सारी हिकमत है, उसे करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज़ के खुदा के हुक्मों को माने और खुदा से डरे। और जो शख्स खुदा से डरता है उसके अंदर हिकमत पैदा होती है, उसमें हिकमत आती है। और ख़ास बात व्यूअर्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किताब के बारे में क्या है कि इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये किताब सुलेमान ने लिखी, हम सबको पता है, और वो अपने बेटों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे तू मेरी तरबियत को हकीर ना जान, तू इसको गले का तोक बना ले इन बातों को। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हिकमत बात कर रही है एज अ लेडी विजडम, औरत के तौर पे बात कर रही है। और हिकमत क्या कह रही है कि मैं कूचों में गलियों में पुकारती फिरती हूँ कि मुझे हासिल कर लो, और जब मुझे रद्द करते हैं मैं उनके पास कभी नहीं जाती। और एक औरत होते हुए उसमें जो उसका करेक्टर पर्सनैलिटी दिखाई है, विजडम लेडी दिखाई है, और वो औरत क्या कह रही है कि तू बेगानी औरत के पास, पराई औरत के पास ना जा, क्योंकि तू फिर गड़े में गिरेगा और फिर तुझसे निकला नहीं जाएगा। इतनी सारी हिकमत की बातें हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को ट्रिगर करती है और हमें बताती है कि हम किस जगह कमज़ोर और हमें कहाँ मजबूत होने की ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, यकीनन अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियों का सबब बनी होगी किताब, बहुत सारे अच्छे कामों का सबब बनी होगी। और अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा, इमसाल को नहीं पढ़ा, तो मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि ज़रूर पढ़ें और हिकमत को हासिल करें, क्योंकि हिकमत सिर्फ खुदा के कलाम से आती है। जैसा कि ऑगस्टिन ने बताया है कि पहले 10 ऐसे लोग जो अपना एड्रेस भेजेंगे हम उनको ये किताब मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे। तो जल्दी जल्दी करिए, मुकाबला सख्त है। आपने जल्दी जल्दी से करना क्या है कि हमारे इस आज के एपिसोड को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में या मैसेज के ज़रिए से हमें बताना है कि आपको ये किताब चाहिए कि नहीं। आप बताइए, अगर आपको ये किताब चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना एड्रेस और अपने नाम के साथ अपना पता हमें दें ताकि हम इन किताबों को आप तक पहुँचा सकें। तो यकीनन व्यूवर्स, आपने आज के इस एपिसोड के वसीला से बहुत सारी बातें सीखी होंगी। हम बात कर रहे थे प्रोवर्ब्स की, इमसाल की, कि हमें दुनिया में बहुत सारी सेइंग्स मिलती हैं, बहुत सारी कहावतें मिलती हैं जो हमारी ज़िंदगी में तरक्की का सबब बनती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज हमने बात की वो कलाम मुकद्दस में से इमसाल की बात की, कि अगर हमें हिकमत हासिल करनी है तो हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना है। तो जैसा कि ऑगस्टिन ने पहले ही कॉल आउट किया था कि जो कोई इस किताब को पढ़ना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि आप ये किताब पढ़ें तो हमसे जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट करें। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें और हिकमत को हासिल करें तो जल्दी जल्दी कॉमेंट बॉक्स में, मैसेज में और किसी भी ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हमें टेक्स्ट करें और हमें बताएं कि अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं, और हम पहले 10 उन अशखास को जो इस किताब को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं हम ज़रूर उन तक ये किताब पहुँचाएंगे। यकीनन ये पूरा एपिसोड आपकी तरक्की का सबब बना होगा। हमेशा देखते रहिए और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाते रहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही है जहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक का पेज है, उसे ज़रूर लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल का एड्रेस है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो ज़रूर हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो करें और हमेशा हमसे जुड़े रहिए, और इसी तरह अपने पूरे दिल से यूथ शो पूरे दिल से को देखते रहिए। आपसे मुलाकात होगी आप ही के फेवरेट शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।